स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया। यूबी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं सक्सेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे आज कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या हर्डल्स आती हैं हमें अपनी सक्सेस को अचीव करने में। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सक्सेस को अचीव करने में आते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन की हमारे पास कमी होती है, तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते चीज़ों को कि कहाँ पर हमारी जो है नॉलेज में गैप है। ठीक है, अब होता है, देखो पहले भी मैंने बात की थी कि कोई भी मुकम्मल नहीं होता या मुकम्मल नॉलेज किसी को भी नहीं होती, पर हम लोग चलते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और सीखते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें पहले नहीं पता होती थी, लेकिन आज हम उनके बारे में जानते हैं, तो डे बाय डे हम लोगों की नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सक्सेस को अचीव करने में, उसके बाद इसके सॉल्यूशन क्या हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले पहला जो प्रॉब्लम आया वो आया लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर हमारी नॉलेज में गैप्स हैं। हमारी नॉलेज में गैप होने की वजह से जो है हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और जिसकी वजह से हम अपने सक्सेस के पाथ पे जो है बीच में ही रुक जाते हैं, या फिर हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन की कमी होती है इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। ओके, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्किल्स। गाइज, आजकल जो है हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज़ पार्ट ऑफ योर गोल सेटिंग, अंडरस्टैंड वट स्किल्स यू नीड टू एक्वायर। हमें जो भी हमारा गोल है, देखिए सबके गोल, सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं, तो जब हम लोग अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को हम लोग सेट करते हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या स्किल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, क्या क्या स्किल्स हैं जिनको हमें अपने अंदर लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, क्या करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटिंग बिलीव्स। बहुत सारे लोग होते हैं लकीर के फकीर, एक ही बात पे स्टिक होके रह जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम नहीं करते। ठीक है, सो इनडिसीजन और प्रोकास्टिनेशन अगर हमारे अंदर है, ठीक है, कुएं के मेंढक अगर हम हैं, तो हम कभी भी अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोकास्टिनेटर नहीं बनना है। बहुत सारे लोग होते हैं खुद से ही अज्यूम करने लग जाते हैं चीज़ों से कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो बेफजूल की जो अज्यूम करते रहते हैं हम लोग, ये हमारे सक्सेस में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। हमें सोचना ज़रूरी होता है, लेकिन स्टेप लेना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे अचीव, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। सिर्फ सोच लेने से ही हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेलबींग। ओके, वेलबींग दैट मीन्स डोंट ट्राई टू ग्रो योर क्रॉप्स बिफोर टाइम। गाइज, अगर आज आप लोग कोई सीड डालेंगे, कोई भी आपको फसल उगानी है, अगर आप आज एक बीज बोएंगे, तो क्या पॉसिबल है कि आपको जो है कल ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, या परसों ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, या बहुत जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए। फसल तो अपने ही टाइम पे पकेगी ना, फसल को आप अपने ही टाइम पे काटेंगे। तो डोंट ट्राई कि मैंने अभी कोई टारगेट बनाया, आप उसमें जी जान लगाइए, नो प्रॉब्लम, उसमें मेहनत कीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर आपने कुछ आज किया है तो आपको क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट जो है आज ही मिलना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, सक्सेस जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, सो डोंट ट्राई टू ग्रो योर क्रॉप्स बिफोर टाइम। नेक्स्ट इज अदर पीपल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सक्सेस के पाथ पर दूसरे लोग। हमने सुना होगा चार लोग क्या कहेंगे, है ना, दो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ हैं। और साथ ही साथ क्या होता है गाइस, जो लोग हमारे नज़दीक होते हैं, उनको एक डर होता है कहीं हम अपने गोल्स को अचीव ना कर लें। एक पेरेंट्स को छोड़ के, पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हमेशा पेरेंट्स यही चाहते हैं, और वो अपने बच्चों के सक्सेस पे जो हैं
खुश भी होते हैं, पर आजकल का क्या टाइम होता है कि हमारे जो क्लोजेस्ट पीपल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे जेलस करते हैं या फिर वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अगर वो हमसे ज़्यादा क्लोज हैं तो वो हमें कहीं दूर इसलिए नहीं निकलने देना चाहते कि हो सकता है कि ये हमसे दूर हो जाए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स में भी होता है। इवन आज का टाइम ये है कि हम लोग आपस में जो हैं एक दूसरे को जो है लेग पुलिंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं इन कंपैरिजन कि हम किसी को सपोर्ट करें। आजकल सपोर्ट सिस्टम लोग कम करते हैं और लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं, तो हमें लेग पुलिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। और जो लोग आपके सक्सेस के पाथ पर इस तरह के लोग हैं उनको आपको इग्नोर करना है, और वो कैसे करना है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को समझ आए होंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सक्सेस में आती हैं। कल कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।